नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। कृषि विभाग हनुमानगढ़ के अंदर किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। विषय इसके अंदर था कि किस प्रकार हम ऑर्गेनिक खेती करें, किस प्रकार कीटनाशक दवाइयाँ और ज़्यादा खाद डालने से खेती की जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वह कम होती जा रही है, इसको रोकने के लिए किसानों के बीच आज अधिकारी और वैज्ञानिक सीधे जुड़े थे। इस संगोष्ठी के अंदर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन भी खास रूप से उन्होंने जाकर शिरकत की है और किसानों से वे भी रूबरू हुए हैं। किसान संगोष्ठी की आपको झलकियाँ भी दिखाएंगे और इस किसान संगोष्ठी में ओम प्रकाश मंजू जो कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने इस किसान संगोष्ठी के अंदर क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हो रहा है, हालांकि 3-4 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रयास अकेले आदमी के करने से या कुछ गिने चुने लोगों के करने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उसको सरकारी संरक्षण में लागू किया जाए और ये जो प्रयास है ये हम सब के लिए भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब बात आ रही है कि हम जैविक कार्बन हमें बढ़ाना है और वो बढ़ाना कैसे है ये बात भी अपने को पता लगी, परंतु दो बातें जो विशेष तौर से अपने को ध्यान में रखने वाली है। एक तो ये है कि खाद, गोबर की खाद को जितना अपन सही ढंग से तैयार कर लेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। आपको बता दें कि आज किसान संगोष्ठी रखने का जो मूल कारण था, कृषि विभाग का जो उद्देश्य था, वो यही था कि किस प्रकार हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के अंदर आत्मनिर्भर बना सकें, उनकी उपज को ज़्यादा बढ़ा सकें और उपज बढ़ाने के साथ साथ किस प्रकार हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को लाएंगे, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों और खाद से उर्वरक शक्ति खेत की ख़त्म होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार हम अंधाधुंध कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हम फसलों पर करते आ रहे हैं, उससे जो है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों का जो खान पान है उसमें अंतर आ गया है। ये सारी बातों को लेकर आज इस संगोष्ठी के अंदर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। जरूरत होती है लेकिन वो 4-5 दवाइयां किसान के पल्ले पड़ते हैं। तो जिस फसल सपोज हम बात करें गेहूं की या कॉटन की, तो हमारे एरिया के अंदर कॉटन की कौन सी बीमारी है, जो मेन बीमारी है उनकी फोटो दुकान के अंदर लगी हो, जैसे ही किसान आता है तो उस फोटो को देख के वो बता देगा भी मेरी फसल में ये बीमारी है। उसके बाद उस दुकानदार के पास सारे एक्सपर्ट जो वैज्ञानिक है, जिस भी क्रॉप से रिलेटेड है, चाहे वो कॉटन से रिलेटेड वैज्ञानिक है, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी वो अपनी दुकान के अंदर रखे और उन साइंटिस्ट से बात करके, भाई ये किसान हमारे पास आया है, इसके इस क्रॉप के अंदर ये बीमारी है, वो उसको फोटो भेजे। आज की इस किसान संगोष्ठी के अंदर कृषि विभाग का यही उद्देश्य था कि किस प्रकार हम कृषि को कार्बन अभियान चलाकर जैविक कार्बन बनाकर खेती की उर्वर शक्ति को बढ़ाएं और खास में फसलों के उत्पादन को जो समय समय पर बीमारियां लगती हैं उससे कैसे बचाव किया जाए, इस पर विस्तार से किसानों के बीच आज चर्चा हुई है। और कृषि विभाग की तरफ से यह प्रयास रहा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फसलों और उनके उत्पादन, उनकी फसल के लिए किस प्रकार से बाजार उपलब्ध हों, किस प्रकार से हम उर्वरक शक्ति कृषि की मिट्टी की बनाए रखें, खेत की उर्वरक शक्ति बनी रहे, इस पर खुलकर चर्चा की गई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।